हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर बॉय। और आज बात करेंगे 777 चार्ली की। ये नई मूवी है ऑन द बॉक्स ऑफिस और कुछ जगह ये एक हफ्ते पहले ही रिलीज हो चुकी है, बट हमारे यहाँ ये कल रिलीज हुई है। सो मैंने इसका कल रात को 7:20 का शो देखा और माइंड इट, इस मूवी को बहुत कम शोज मिले हैं। लाइक हर शहर में ये मूवी को सिर्फ एक या दो शोज मिले हैं और हर मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन में ये मूवी रिलीज भी नहीं हुई है। सो क्या रीजन है, क्यों इसको कम शोज मिले हैं हर जगह और है कैसी है ये मूवी, लेट्स फाइंड आउट। बट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू, आई बी रियली ग्लैड लाइक ऑलवेज एंड ऑल यूट्यूबर्स ऑफ द वर्ल्ड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो एनिमल मूवीज या फिर कह लिया जाए स्पेसिफिकली डॉग मूवीज, हॉलीवुड में ये जॉनर बहुत फेमस है और वहाँ पे टाइम टाइम पे इस ये जॉनर पे मूवी बनती रहती है, बट बॉलीवुड में ये जॉनर काफ़ी कम बनता है। क्योंकि पहली बात तो ये जॉनर बहुत कठिन है बनाना, ये जॉनर बहुत ही चैलेंजिंग होता है बनाना, इसमें बहुत ही पेशेंस रिक्वायर होता है क्योंकि आप एक रियल एनिमल के साथ डील कर रहे हो और एक रियल एनिमल को 200 क्रू की एक मूवी शूट कर रही है। सो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। अगर डायरेक्टर्स चाहे मेकर्स चाहे तो CGI का यूज करके एक पूरी मूवी बना सकते हैं, बट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लगेगा और ऑडियंस उससे रिलेट नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक डॉग मूवी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है उस मूवी का इमोशन, उस मूवी के जो मेन लीड होते हैं उसके साथ जो डॉग का कनेक्शन होता है उसी के आधार पे वो मूवी डिसाइड होती है कि वो कितनी अच्छी लोगों को लगेगी। सो आई थिंक बॉलीवुड की जो सबसे पहले मैंने डॉग मूवी देखी है वो है हेलो, जो कि 90s में आई थी और मैंने उसे टीवी पे देखा था। ये जॉनर ओवर द टाइम एकदम डिमिनिश हो चुका है और लास्ट एनिमल मूवीज जो मुझे याद है वो है चिल्लर पार्टी विच आई रियली लव्ड इट और इट्स एंटरटेनमेंट जो अक्षय कुमार की मूवी थी। सो 777 चार्ली को डायरेक्ट किया है किरण राज के ने, स्टारिंग रक्षित शेट्टी और चार्ली, और बहुत अच्छी कास्ट है जो कि बेसिकली उधर साउथ की कास्ट है, इधर आपके बॉलीवुड के कोई भी एक्टर्स इस मूवी में नहीं एज सच नहीं है। सो स्टोरी बात करते हैं, बेसिकली जो स्टोरी है वो हमारे जो रक्षित शेट्टी हैं उनकी स्टोरी है। वो टिपिकली यार इस मूवी में कई चीज़ें मुझे दूसरी मूवी से इंस्पायर्ड लगी। सो ये टिपिकली कबीर सिंह गाए हैं, ये सोते हैं उठते हैं खाते हैं पीते हैं और काम पे जाते हैं और इनको एंगर इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, लोग इनसे डरते हैं, इनकी फैक्ट्री में लोग इनसे डरते हैं, इनके मोहल्ले के लोग इनसे डरते हैं, इनसे बात नहीं करते हैं, इनको एंगर इश्यूज है, ठीक है। तो ये डेली रूटीन इनका यही सब है कि ये चल रहा है, फिर इनकी ज़िंदगी में ये कुत्ता आता है और चार्ली जो कि एक स्ट्रीट डॉग है, फिर पहले तो क्या कहते हैं बड़ी नोक झोंक होती है, बहुत लड़ाइयाँ होती है, बाद में फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार उमड़ता है और एकदम प्यार जो है शिद्दत वाला प्यार हो जाता है दोनों को, चार्ली को रक्षित से, रक्षित को चार्ली से। वैसे रक्षित के कैरेक्टर का नाम इस मूवी में धर्मा है। सो उसके बाद इस मूवी में कुछ ऐसा होता है जो कि मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता, वो इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर वही है। सो मैं आपको स्पॉइल नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ इस मूवी में ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरी जिंदगी इनकी अपसाइड डाउन हो जाती है और फिर रक्षित एक मिशन पे चला जाता है। एक मिशन मतलब एक उसके दिमाग में एक गोल है, उसको वो अचीव करना है चार्ली के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली कहानी है। सो बात करूँ तो स्टोरी, तो भाई साहब स्टोरी इस मूवी की काफ़ी डिफरेंट है। ऐसी स्टोरी आप जब थिएटर में ये मूवी देखने जाओगे तो एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। ट्रेलर आप जो देख रहे हो वो ट्रेलर आपको बस बहका रहा है, स्टोरी कुछ और ही है इस मूवी की। और पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करा जाए तो भाई इस मूवी में द शो स्टीलर इज नो वन बट चार्ली द डॉग, और आई थिंक उसके जो एक्सप्रेशंस है भाई माशाल्लाह, जब वो उदास होती है, जब वो रोती है, जब वो प्यार दिखाती है, चार्ली के जो एक्सप्रेशंस है, यू विल बी इन लव विद द डॉग। थोड़ा आप जैसे ही मूवी स्टार्ट होगी कुछ देर में आप डॉग से प्यार कर बैठोगे। और एक अच्छा फर्स्ट हाफ है इस मूवी का, जो फर्स्ट हाफ है वो कंपैरेटिवली बहुत बेटर है सेकेंड हाफ से, और गुड परफॉर्मेंस बाय द कास्ट एंड द एक्टर्स, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सबने दी है, रक्षित शेट्टी को कह लो, चार्ली को कह लो, बट ओवरऑल जो पूरे मूवी में सपोर्टिंग कास्ट है उनका भी काम अच्छा है। और गुड लोकेशंस, क्योंकि ये मूवी कई जगह शूट हुई है, बेसिकली ये एक थोड़ी सी ट्रैवल और जर्नी मूवी है। सो इस मूवी में आपको गोवा दिखेगा, इस मूवी में आपको शिमला दिखेगा, इस मूवी में आपको राजस्थान दिखेगा। सो या लोकेशंस वाइज दिस मूवी इज A1। एंड
और इस मूवी के कुछ बीजीएम हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लाइक कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी की A1 है। और स्पेसिफिकली इस मूवी में जो कुछ सीन्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यूनिक हैं। और जैसे कि स्पेशली एक कार सीन है जहाँ पे धर्मा मतलब रक्षित के पेरेंट्स जा रहे हैं कहीं, वो सीन तो आपको देखना ही पड़ेगा। और स्पेसिफिकली और एक डॉग शो सीन है। सो कुछ सीन्स इस मूवी के एक बहुत ही शो स्टीलर है। अब बात कर लेते हैं इस नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में। देखो बुरा मत मानना, पर ये मूवी एक ओवर हाइप्ड मूवी है। ये मूवी ट्रेलर से और इसके रिव्यूज जितने हैं, ये मूवी उतनी अच्छी है नहीं। द रीज़न इस मूवी को कम शोज इसलिए मिले हैं क्योंकि ये मूवी पहली बात तो मास अपील नहीं है। ये मूवी बहुत ही क्लास अपील है, ये मूवी सबको अच्छी नहीं लगेगी। ये मूवी जो लोग मसाला ऑडियंस है जिनको मार धाड़ पसंद है, जिन जो चाह रहे हैं कि स्क्रीन में फास्ट पेस्ड मोशन होए, सब कुछ तेज तेज चले, उनको ये मूवी बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। ये मूवी सबको नहीं पसंद आएगी। इस मूवी का सेकेंड हाफ बहुत ही बोरिंग है और इस मूवी को, और ये मूवी बहुत लंबी है, 2.5 घंटे से ज़्यादा की ये मूवी है। सो सेकेंड हाफ आप एकदम पक जाओगे क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मूवी लैक्स अ वेरी गुड स्टोरी। स्ट्रॉन्ग स्टोरी इस मूवी में नहीं है जो कि ऑडियंस को 2.5 घंटे बांध के रखे। फर्स्ट हाफ तब भी अच्छा है, सेकेंड हाफ ऐसा लगेगा आपको बस मूवी चल रही है, कुछ हो रहा है फिर चल रही है, कुछ हो रहा है फिर चल रही है। तो मूवी बहुत ही स्लो पेस्ड है, इसमें एक कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब एक फ्लो नहीं है। बस कुछ सिचुएशन हो रही है फिर आगे बढ़ रही है, कुछ सिचुएशन हो रही है फिर आगे बढ़ रही है। तो सेकेंड हाफ में आप बहुत, जो फर्स्ट हाफ में इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो सेकेंड हाफ में जाके एकदम लूज हो जाएगा, शैटर हो जाएगा। अ वेरी बैड सेकेंड हाफ और लोग हॉल छोड़ के जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, ऑडियंस बोर हो जा रही है, सोचती है कि यार भाई जल्दी खत्म करो इस मूवी को, घर जाना है। सो ये कुछ इश्यूज हैं इस मूवी में। अ सेकेंड हाफ इस मूवी का, काश ये इसकी स्टोरी में और कंसिस्टेंट होता या स्टोरी में कुछ और इंटरेस्टिंग डालते जो कि लोगों को बाहर के रखती, तो इस मूवी का सेकेंड हाफ भी अच्छा होता। हालांकि सेकेंड हाफ इज फुल ऑफ मोमेंट्स, इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, मोमेंट्स भी अच्छे हैं, बट इट्स जस्ट द ऑडियंस लूज इट और वो सोचती है कि भाई मैं ये मूवी देखने क्यों आ गया, इससे अच्छा तो मैं नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पे ये मूवी देख लेता जब ये मूवी OTT पे आती। सो कुछ ऐसा फील होता है, ठीक है। सो डॉग लवर्स को ये मूवी बहुत पसंद आएगी, बट तब भी वो इस मूवी का अगर सेकेंड हाफ झेल पाएंगे तो ठीक है। दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ 777 चार्ली। इफ यू लाइक इट, इफ यू वॉच इट, हाउ डू यू लाइक इट और नॉट, कमेंट बिलो, लेट मी नो एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव गाइज, टेक केयर।